रहे हैं। इस समय हम आजमगढ़ तरवा थाना क्षेत्र के बेला गांव में, जहां की आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के 128वें जन्मदिन पे आज यहां कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप गौतम जी यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की माल्यार्पण प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो यहाँ बगल में खड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में क्या वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं। सर, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक सौ अट्ठाईसवां जन्मदिन है, तो इसके उपलक्ष्य में आप सर क्या कहना चाहेंगे? कि आज जो पर्व मनाया जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिवस के रूप में, ये बहुत महान पर्व है और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसा महान व्यक्ति मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस भारत देश या विश्व में आएगा दोबारा। आज हम लोग हम मना रहे हैं, उनकी देन है कि आज सब समाज सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग उनके बनाए हुए नियम कानून कायदे में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा साहब ने, सभी लोग जानते हैं, आज भारत देश में सबसे बड़ा अगर किसी ने मुसीबत झेला, सबसे बड़ा अगर किसी ने अपमान झेला, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे, जिनकी वजह से आज पूरा देश आज़ाद है और जिनकी वजह से आज शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कानून व्यवस्था या हमारे भारत देश की जो चार पालिकाएँ हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो या फिर पत्रकारिता हो, इस तरीके की जो भी हमारी व्यवस्था है भारत सरकार में, वह सब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की देन है। और उनकी यह जो व्यवस्था है, उनका यह जो दिया हुआ हमारे लिए उपहार है, यह हम कभी भुला नहीं सकते। और यह उपहार अगर भारत देश में नहीं रहेगा तो शायद यह भारत देश भी नहीं चल पाएगा। इसलिए भारत देश का जो सबसे बड़ा संविधान का जो संस्कार है, भारतीय संविधान पूरे देश का सबसे बड़ा संविधान है और सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बाबा साहब ने आज देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में ही उनके इस जन्मदिवस को मनाया जाता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि मैं दो दिन पहले ही महाराष्ट्र का दौरा करके आया हूँ, वहाँ तो इसका स्टॉल लगता है और घर घर में, गलियों गलियों में जयकारा होता है और जगह जगह झंडे तिरंगे और पंचशील लहराया जाता है। साथियों, यह उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें सभी साथियों पे बाबा साहब के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इस कार्यकर्ता उमेश कुमार जी को, जिन्होंने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के जिला सचिव गाजीपुर हैं। और मैं उनके इस काम की सराहना करता हूं कि इस गांव के अंदर वह जो एक काम कर रहे हैं, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कि लोग उनका सहयोग करेंगे आने वाले समय में और भी भव्य तरीके से इस रैली का और इस सभा का आयोजन कर पाएंगे। और मैं जहाँ तक मैं उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं और बाबा साहब के इस जन्म दिवस पे सभी ग्रामवासियों को, तमाम जिलावासियों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा साहब ने बहुत महान काम किया है, उनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं। और युवाओं के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए संदेश यही है कि अगर हम आज युवाओं के लिए ही नहीं, मैं इस भारत देश को तमाम मीडिया कर्मी और मीडिया चैनल को संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज सभी टीवी चैनलों पे एक सुबह सुबह राशिफल के बारे में बताया जाता है, ज्योतिषी के बारे में बताया जाता है, अगर वही उसी जगह पर भारतीय संविधान के बारे में बता दिया जाए, इस देश में परिवर्तन हो जाएगा और युवा जाग जाएंगे, पूरा समाज जाग जाएगा, सब अपने अधिकारों को समझने लगे। मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, जो केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की अगर आप बात करेंगे तो आज समाज में जो तरह तरह का शोषण हो रहा है, जैसे आप हम सब जानते हैं कि आज भारत देश को आज़ाद होकर के 70 साल हो गया, लेकिन हम आज भी शारीरिक रूप से आज़ाद हैं, मानसिक रूप से आज़ाद नहीं है। जो हक अधिकार की बात करते हैं वह आज भी शोषण हो रहा है और आज भी हनन हो रहा है। इसलिए केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का जो हमने ये गठन तैयार किया है, जो निर्माण किया है, इसके माध्यम से हम समाज के असहाय लोगों का या जिनका शोषण हो रहा है उनको हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। और प्रशासन को इस केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन की तरफ से हम उनको अवगत कराते हैं कि जो न्याय अन्याय हो रहा है उससे प्रशासन सक्रिय होकर के काम करते हैं। गाजीपुर जिला अध्यक्ष, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन गाजीपुर जिला अध्यक्ष, आपके इस लगभग क्षेत्र में बॉर्डर लाइन पे आप हैं और आपके इस बॉर्डर लाइन पे ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
कहना चाहता हूँ कि जिनके आज जयंती पर पुतले उपस्थित हैं, एक महान व्यक्ति हैं जिसके बारे में मैं कोई शब्द ही समझ पा सबको से ही नहीं एक मैं कोई शब्द बोलूँ इनके बारे में, क्योंकि ये जयंती आज पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। भूतपूर्व प्रधान और आप इस बेला गांव के हैं, इससे पहले प्रधान रह चुके हैं, तो आपने जन्मदिन पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर अब तक आपने क्या कभी आयोजन कराया इस तरह का? ऐसा है सर, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आए हुए अपने गाँव का सम्मान करते हुए आप भैया करें भाइयों का सम्मान कर रहा हूँ। साथियों में बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन जन्म 128 वर्ष पहले लगभग हुआ था, ऐसे परिवार में हुआ था जिस परिवार को लोग परछाइयों से नफरत करते थे और दलित समाज को अपने से दूर रखा करते थे। हम तो सबसे पहले उनके माता पिता का सहृदय प्रणाम करता हूँ, क्योंकि साथियों उस जमाने में दलित समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। अपने स्तर से आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर अब तक कितने आयोजन आपने कराए? ऐसा है सर कि हम लोग तो बहुत आयोजन करा चुके हैं, जब से हम सन 2000 प्रधान हुए और प्रधान के कार्यकाल के समय से ही लगा रहता हूँ। साथियों के साथ साथ जहाँ लोग कार्यक्रम करते हैं बाबा साहब का, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और बाबा साहब के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए इनको संकल्पित करवाता हूँ। साथियों इनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल करके जितना आगे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा संगठन मजबूत करा सके। साथियों जैसे बाबा साहब के बात को मीडिया साथी आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं साथी थोड़ा कृपया करके आप लोग भी बाबा साहब की बातों को मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाने का करें।